आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो यहां पर देखो क्या है, टू एक्स वाई, दैट मीन्स इट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसमें भी अगर ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई है, तो दैट मीन्स वो क्या है आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यहां पर है माइनस जेड स्क्वायर। अब ये देखो ये वाले कौन से फॉर्म में है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई इज ए माइनस बी, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस जेड दैट इज प्लस प्लस जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस बी दैट इज व्हाट, एक में प्लस आएगा दूसरे में माइनस जेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्या है देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अगेन ये देखो ये कॉम्बिनेशन किसका है, एक्स वाई का, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन किसका है, इसका कॉम्बिनेशन है, लेकिन बड़े ध्यान से करना है इसको। तो यहां पर लिखा है देखो सब प्लस है, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो सेम फॉर्म में ये है, तो इसको हमको वैसे ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, पूरा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस टू ए बी और माइनस की जगह पे प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो कौन से फॉर्म में हो गया हमारा, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म। तो इसको हम वैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका देखो, इट विल बी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये अगेन आपका कौन से फॉर्म में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, ये वाले फॉर्म। तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो दैट मीन्स व्हाट, एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी, सेकेंड एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो देखो क्या आ रहा है आपका, एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस इंटू माइनस इज प्लस बी, एक ये फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर इज एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, ये आपका
सेकंड फैक्टर हो गया, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, 25x² - 10x + 1 - 36y². तो यहां पर देखोगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 25 का। तो अगर हम लिखते हैं इसको, ये देखो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। x स्क्वायर किसका है, x का। तो क्या हो जाएगा हमारा 5x - 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 25x² - 10x + 1 और -36y² आपका रिमेनिंग है, वो लिखते हैं पीछे -36y². अगेन ये आपका कौन से फॉर्म में हो गया, a² - b² फॉर्म में। तो क्या होता है a - b (a+b), सेम में हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5x - 1 - 36 किसका होता है, 6 का, 6y। और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, 5x - 1 + 6y। तो ये दो फैक्टर्स आपके इसके हो गए। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है।